पाकिस्तान में महिलाओं पर किस तरह के अत्याचार होते हैं, इसके आए दिन उदाहरण सामने आते रहते हैं। इसी बीच पाकिस्तान से एक युवती भागकर अमेरिका पहुंच गई है। उसे पाकिस्तानी अधिकारियों ने छुपकर जाने पर मजबूर कर दिया था। वह अगस्त में भागकर अमेरिका पहुंच गई और उसने अमेरिका से राजनीतिक शरण की मांग की है। इस युवती का नाम गुललाई इस्माइल है। गुललाई इस्माइल को पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसलिए निशाने पर लिया है क्योंकि उन्होंने देश की सेना और द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को उजागर किया था। उन पर पाकिस्तान ने राजद्रोह का आरोप लगाया था, जिसके बाद वह भागकर अमेरिका आ गई। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने मुतालबे किए कि एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए, वहाँ पर जो इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही है वो रोकी जाए, जो लोग बंद हैं टॉर्चर सेलों में उनको अदालत में पेश किया जाए, इंटरमिटेंट सेटअप खत्म किया जाए। लेकिन ये सारी बातें मानने के बजाय हमारे ऊपर दहशतगर्दी का ठप्पा लगा दिया गया और उल्टा एक नया ऑर्डिनेंस लाया गया जिस ऑर्डिनेंस का नाम है एक्शन इन सिविक एक्ट, एक कानून लाया गया जिसमें फौज को इख्तियार दिया गया कि वो सारे खैबर पख्तूनख्वा में जहां चाहे इंटरमिटेंट सेंटर बना सकते हैं, लोगों को गायब कर सकते हैं, लोगों को टॉर्चर कर सकते हैं और जब चाहे कानून को अपने पांव के नीचे अपने बूट के नीचे ला सकते हैं। इस तरह का हमारी बात मानने के बजाय, हमारी ग्रीवियंसेस करने के बजाय हमें धमकी दी गई कि हमारे लिए टाइम अप हो चुका है, अब ना हमारी जिंदगी महफूज होंगी ना हमारी इज्जतें महफूज होंगी और ऐसे ऑर्डिनेंस लाए गए जो कि डिक्टेटरशिप है। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में इस वक्त डिक्टेटरशिप आ चुकी है। इस कानून के जरिए फौज को ऐसे अख्तियार दिए गए हैं कि वो जिस वक्त चाहे कानून को अपने बूट तले दबा सकते हैं। आज हम यहाँ पर जमा है उसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए और अपनी जिंदगी का हक मांगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।